हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। है कि हमें हर मर्तबा बताया गया कि फोन कॉल होगी, अमरीकी क्यादत को नजरअंदाज करता रहा, तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ये कह रहे हैं मुईद यूसुफ। यूसुफ, तो क्या तबसरा करेंगे इस पर आप, जब आप फैजी साहब? देखिए, वो अगर आपको उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे तो बजाय इसके कि हम हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस पे खेलिए। आपको किसने मना किया आपके ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल ना करने पे? लेकिन हम ये सुबकी है बेसिकली, बार बार इसका एतराफ़ करना कि सानू फ़ोन नहीं कीता। वो भाईजान फ़ोन नहीं आया, या उन्होंने आपको, अगर जो साबका सदर थे उन्होंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़े से मिनट्स दे दिए थे तो उस पर आप बगलें बजा रहे थे। अब अगर नहीं दे रहे वो टाइम, तो उसमें क्या इशू क्या है? और उसका इशू का सबका पता है कि आप अफगानिस्तान के वाले से जिस तरह बुलंदोबांग दावे करते हैं, जिस तरह तेजी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आप पिछाड़ रहे थे, उसके बाद वो आपको क्यों फोन करेंगे? आपको कम से कम डिप्लोमेसी का जो मुजाहरा करना चाहिए था, आपको जिस अंदाज में चलना चाहिए था, वो एकदम हमारे अंदर बब्बर शेर आ जाता है और एकदम से हम वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं जिसको हमें सोच समझ के करना चाहिए। मैं अपनी दानिश में यह समझ कि हमें ऐसी गुफ्तगू, हमारी जरूरत है अगर वो, तो फिर तो लेट जाते हैं हम भी, हमें एक कॉल पे भी तो हम लेट ही गए थे ना, तो या तो ऐसा कर लें, नहीं तो फिर ये है कि कम से कम अपनी अहमियत को आप अपने तई इतने मजबूत हो जाएं, और रीजनल वाइज भी आपकी जितनी अहमियत है हम ये सुन सुन के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी जब जिसका दिल करता है वो हमारी बेइज्जती भी कर देता है, जब दिल करता है वो इल्जाम भी लगा देता है, और क्या पिदी का शोरबा कि हमें अफगानिस्तान वाले भी आंखें दिखाने लग जाते हैं। उस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि इस गुफ्तगू को इतना ज्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहिए। मेरे नजदीक ये मेरे मुल्क की सुबकी है, मेरी सुबकी है, और उस पर हमारे ही जो जिम्मेदारान है उनको भी इस चीज पे इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ठीक जनरल साहब, ये जो मुईद यूसुफ साहब दूसरे ऑप्शंस का जिक्र कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं, क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये नापुख्ता सफारतकारी है, इस तरह की बातचीत करने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे अगर जो बाइडन अब टेलीफोन कर भी दें तो दुनिया में एक बात कही जाएगी कि जी बड़ी मिन्नत समाजत और खुशामद करके कॉल दी गई, तो आपके क्या आपके यहाँ गुर्बत दूर हो जाएगी, आपके यहाँ क्या आपके मसाइल ठीक हो जाएंगे, या खत्ते में जो आपके इंटरेस्ट हैं सिक्योरिटी के वो पूरे हो जाएंगे? वो कुछ भी नहीं हो। हमें पता है कि अमेरिका की पॉलिसी की डायरेक्शन क्या है, उनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कहाँ पे है, ये हमें बिल्कुल अंदाजा है। हमारे पास ऑप्शन जो भी हैं हमें पता है, लेकिन बासूरत उनका भी ऐलान करने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक सॉवरन राइट है कि अगर एक साइड से आपको वो आपके मफादात जो आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो पूरे नहीं हो रहे, तो ये आपके मुल्क की जरूरत है कि आप दूसरी ऑप्शन आजमाएं, और दूसरी ऑप्शन कुछ हद तक आप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, बिल्कुल उसको खुल के अवेल कर लें। लेकिन ये कहना कि हमारे पास ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कॉल कर देंगे तो फिर हम ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे, फिर हम आपके साथ बातचीत करने कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, बड़ी घर में ढोल बजाएंगे कि हमें कॉल आ गई, ये गलत है। मैं समझता हूं इससे मुईद यूसुफ ने ये बड़ी नापुख्ता बातें की हैं जिससे कि शर्मिंदगी ज्यादा हो सकती है कल को अगर कॉल आ भी जाए, तो बेहतर ये होता कि वो ना ऑप्शन का जिक्र करते ना ही कॉल का जिक्र करते। एक रिलेशनशिप है जो कि ट्रांजैक्शनल हमें भी नजर आ रही है, उसको भी आनी चाहिए थी अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उस रियलिटी को वहां पे उसके रियलिटी को सामने रखते हुए बातचीत करनी चाहिए थी। मुझे नजर आता है कि आज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप उनकी भारत के साथ है, हमारे साथ नहीं है। वो फ्यूचर में अब वो भारत के साथ चलना चाहते हैं, हमारा वहां पर थोड़ा बहुत जो ताल्लुक था अफगानिस्तान का वो भी वहां से वो निकल गए हैं, और निकलने के बाद अब उनकी वो बात भी वो नहीं रही कि उनका वहां पर वो मुफाद हो कि पाकिस्तान की उनको मदद है, मदद की जरूरत है कि हमारा रास्ता इस्तेमाल करना, उन्होंने कुछ वो भी खत्म हो गई बात। तो इस वजह से ये हकायक जो होते हैं इनको सामने रखते हुए मुंह खोलना चाहिए। अगर आप फालतू बातें या वही घिसी-पिटी बात करते रहेंगे तो बिल आखिर आप शर्मिंदगी उठाएंगे। तो मेरे नुकता निगाह के मुताबिक इंतहाई गैर जरूरी बात की है, ये नहीं करनी चाहिए।
ठीक मुजम्मिल साहब, जिस तरह से मुईद यूसुफ साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तानी क्यादत को नजरअंदाज किया गया तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, क्या तबसरा करेंगे आप? क्या लगता नहीं है कि दिस इज अ थ्रेटनिंग वे? मैं समझता हूं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के सिविल डेमोक्रेटिक फेस को बहुत कमजोर किया है और उन्होंने पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी ये बहुत तासुर को मजबूत किया है कि वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं और ताकत का मरकज़ वो नहीं है, फैसले वो नहीं करते, वो किसी का फैसले जहां होते हैं वो सिर्फ उनके डमी हैं। इसी वजह से दुनिया उनको एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पर देखती है और दुनिया को पता है कि ताकत का मरकज़ कहां है और कहां बात करनी है, और मैं समझता हूं वो वहां बात हो रही है, उन वहाँ कॉल आने का रबते के फुकदान का कोई मसला नहीं है। ये सिविल डेमोक्रेटिक फेस के मसाइल हैं कि उनकी जो रही सही इज्जत होती थी एक पाकिस्तान की जमहूरियत में कि उनसे भी बात की जाती थी, वो ख़त्म हो गई है इमरान खान की इस वजारत उज़्मा में और उन्होंने पाकिस्तान का सिविल डेमोक्रेटिक फेस, दुनिया पावर टॉक्स टू पावर, दुनिया उससे बात करेगी जिसके पास अख्तियार है। अगर एक बेख्तियार वज़ीर आज़म से ना सऊदी अरब बात करेगा, ना चीन बात करेगा, ना भारत बात करेगा, ना अमेरिका बात करेगा। आप देखें ना, वो यही कहते थे मोदी मेरा फ़ोन नहीं सुनता। अब हमारा इतना ही बड़ी ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई है जिसमें हमने भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर किया है, उसमें भी कोई सिविल सतह पर तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात तो दूसरी सतह पर हुए हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक के साथ भी अब हमारे स्ट्रेटिजिक और दूसरे ताल्लुकात बहुत आगे जा रहे हैं और सिविल और डेमोक्रेटिक ताल्लुकात बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, और ये इमरान खान की वजारत उज़्मा में बहुत ज्यादा हो गया है और मैं समझता हूं इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसमें दुनिया का कसूर नहीं है, इसमें हमारे इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम का कसूर है कि हमने पावर शेयरिंग में एक तरफ इतनी ज्यादा ताकत कर दी है और एक तरफ इतनी कमजोर कर दी है कि दुनिया को उसका एहसास हो गया है और हम वो बैलेंस नहीं रख सके। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उस बैलेंस को दोबारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ, जो कि अमेरिका के भी नागरिक हैं, पाकिस्तान के भी नागरिक हैं, डबल नेशनलिटी है इनके पास, ये अमेरिका गए हैं और ये मतलब परेशान हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो इमरान खान से बात ही नहीं कर रहे जब से वो मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। और ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि पाकिस्तान बहुत लंबे समय से अमेरिका के तलवे चाटता रहा है और ये अपने आप को उनका पार्टनर समझता रहा है, तो ये बात नहीं कर रहा है पाकिस्तान। आप जानते हैं अमेरिका अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के ही अड्डे यूज़ किए हैं बहुत सालों से और वो ही शायद अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी तो पाकिस्तान डिनाई कर रहा है ये चीज़ें। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका पाकिस्तान को भाव क्यों नहीं दे रहा है, और इस बात को लेकर काफ़ी मजाक उड़ता है इमरान खान का। इमरान खान की कॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी नहीं उठाई और अब प्रेसिडेंट जो बाइडन भी इंटरेस्टेड नहीं है। इमरान खान की जो मतलब मजाक बनाया है पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी में, वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के जो अपोजिशन के लीडर हैं वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर जिसका मतलब पाकिस्तान दुनिया में एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसकी कॉल भी मतलब रिसीव करना सही नहीं समझते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। हालांकि हो सकता है कि अमेरिका समझता है कि बेसिकली पाकिस्तान ने ही तालिबान को खुलकर सपोर्ट किया है, तालिबान को इतना जो इतने अरसे से असला हथियार ये सब पाकिस्तान ने ही सप्लाई किया है, सब कुछ पाकिस्तान ने ही किया है, तो शायद उसी चीज़ के कारण ये लोग अमेरिका वाले जो हैं इनसे उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। आपको भी पता है कि पाकिस्तान जहाँ पैसा फेंकोगे वहाँ जाएगा, आजकल ये चीन के पास जा रहा है, लेकिन चीन पैसा फेंकता है ब्याज लोन के रूप में और ब्याज के साथ वसूलता है, तो डेफिनेटली चीन के चक्कर में तो आने वाले समय में बहुत बुरे फंसे हैं। शायद ये मोईद यूसुफ अमेरिका गया है, अफगानिस्तान की सिचुएशन बताएगा, बोलेगा हम हैंडल करेंगे, हमें इतना पैसा दे दो। इनके साथ जनरल फैज भी गया है, जनरल फैज जिसका अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका वीडियो आप देखें, मिजर कारोबारी ने काफ़ी डिटेल में बनाया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वैल्यू क्या है वो तो आपने देख ली, और पाकिस्तान मतलब अभी भी आपको पता है कल 5 अगस्त है, 5 अगस्त यानी ये दूसरा साल होगा आर्टिकल 35A और 370 को हटने के बाद, तो वहाँ पर ये लोग मतलब कुछ शायद 60 सेकेंड के लिए फ्रीज़ करेंगे अपने आप को सिग्नल पर कहीं पर भी, ऐसा कुछ इनका नया कुछ ड्रामा आने वाला है, तो उसका आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।